बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं अपने तमाम सब्सक्राइबर को अपने यूट्यूब चैनल व्यूज़ विद वर्मा में वेलकम करता हूं। और मैं यही कहूंगा कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक इजीली पहुंच सके। आज हम MGT 611 की बिजनेस लॉ की असाइनमेंट नंबर 1 का सोल्यूशन लेके आए हैं और आज हम इसको देखेंगे। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो ईजी तक पहुँच सके। आपने इस सब्जेक्ट के ग्रैंड क्यूज कराने हों, एक्टिविटी सोल्व करानी हो तो वह मेरा मुझसे रब्ता कर सकते हैं पेड बेसिस के ऊपर। मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन के ऊपर दिया हुआ है तो वहाँ से मुझसे आप पूछ सकते हैं। चलिए आया हम असाइनमेंट की तरफ बढ़ते हैं। बारी बारी एक चार सिनेरियो है, बारी बारी सिनेरियो करके उसमें आपको बता दूंगा। पहला सिनेरियो है हबीब स्टोलन कैश है मर्चेंडाइज फ्रॉम दी ABC स्टोर, मतलब उसका जो कैश है मर्चेंडाइज वो स्टोर ABC स्टोर से गुम हो गया। नायला दे दी ओनर ऑफ द स्टोर, और नायला उसकी स्टोर की ओनर थी, ठीक है। इनिशिएट लीगली प्रोसीजिंग अगेंस्ट हिम, और उसके खिलाफ लीगली प्रोसीजर करने लगा। हबीब कनेक्टेड नायला विद एन ऑफर टू रिटर्न द स्टोलन कैश एंड मर्चेंडाइज इफ नायला विदड्रॉ दिस स्वीट, मतलब अगर वो केस उठा लेती है तो मैं उसको मतलब वो चीज़ें मतलब कैश और मर्चेंडाइज ढूंढ देता हूँ। नायला एक्सेप्टेड दिस ऑफर, इट इज़ अ वैलिड एग्रीमेंट, तो बताना है कि क्या ये एक एग्रीमेंट है। तो इसमें क्या करना हो, दिस एग्रीमेंट वाइड इज ऑब्जेक्टिव अनलॉफुल, तो अनलॉफुल के जिम्मे में आता है, ठीक है। तो ये इसको आप अगर एक्सप्लेन भी कर सकते हैं जारी जारी बात है तो इसको देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन ये अनवाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है लेकिन नो ये अग्रीमेंट नहीं होता है, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा और आगे हम चलते हैं। ये आसान था, आगे चलते हैं हम। ये दूसरा सिनेरियो है कि उमर एग्री टू द कंस्ट्रक्टेड बेंगलुरु फ्रॉम द बाबर एंड द कास्ट ऑफ द 40 मिलियन, तो 40 मिलियन के हिसाब से कंस्ट्रक्शन करके देगा। However, it was agreed the payment would only be made and the completion of the project. जब ये मतलब completion हो जाएगा project तो तब उसकी मैं payment करूँगा। In this contingent contract under the contract 1872 का क्या ये contingent contract है? Given reason भी दे and also list the requisite or characteristics of the contingent contract की list भी बतानी है आपने, ठीक है। तो इसकी देख लेते हैं आगे। इसमें यह है कि नो दिस इज़ नॉट कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट इन एट द कंडीशन कंस्ट्रक्शन ऑफ द बेंगलो इज नॉट कॉन्ट्रेक्चुअल एंड कॉन्ट्रैक्ट बट इट सेल्फ फ्रॉम द कंसिडरेशन एंड द इंटेग्रिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इसमें ये होता है कि इसमें ये कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, ये नहीं है कि आप बाद मतलब नॉट देखो ना इज नॉट कॉन्ट्रेक्चुअल टू द कॉन्ट्रैक्ट इट सेल्फ फ्रॉम टू द कंसिडरेशन, कंसीडरेशन है ये कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है। उसने कहा मैं जब कंप्लीट हो जाएगा तो तुम्हें पैसे दे दूंगा, तो कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं ना हुआ। इट्स जस्ट इंटरगल पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एसेंशियल ऑफ द कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी, देखिएगा द परफॉर्मेंस ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड ऑन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग, मतलब ये भी हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट आपका हैपन हो या ना हैपन हो, ठीक है। द इवेंट मस्ट बी अनसर्टन हो, ठीक है। द इवेंट मस्ट बी कॉन्ट्रैक्चुअल हो एंड इंक्लूड द कॉन्ट्रैक्ट हो, ठीक है। तो ये आ जाते हैं आगे, देखिएगा क्वेश्चन है मुर्तजा हुमा लेंट टू मिलियन टू फिजा लैला एंड अदनान जॉइंटली, मतलब वो क्या कहता है उधार पे एक बिल्डिंग लेते हैं या लेंट पैसा देते हैं लोन लेते हैं। ऑन द ड्यू डेट इट बिकम द इंसॉल्वेंट, वो दिवालिया हो जाते हैं विद इनफॉर्मिंग द विद द फैक्ट ऑफ द मुर्तजा एंड डिस्कसिंग द रिकवरिंग द इशू, उसने मुर्तजा बताया कि इसको रिकवर करें डिस्कस करें तो वो रिकवरिंग की तरफ इशू हो रहा है। उमा वांट टू द फिजा टू रिप्लाई द फुल अमाउंट टू द हिम, मतलब उमा क्या करती है वो फैजा को करती है कि रिप्लाई करते फुल अमाउंट टू द हिम है, ठीक है। अंडर द प्रीमियम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्लेन, मतलब कॉन्ट्रैक्ट को एक्सप्लेन करें वेदर फिजा आर कंप्लेन पे टू द फुल अमाउंट हुमा एंड बी व्हाट राइट्स अवेलेबल टू द मुर्तजा इफ रीपे द फुल अमाउंट, ठीक है। तो इसका ये आंसर होगा कि ओनली हुमा कैन फोर्स मोशन टू पे द इंटेंट ऑफ अपेयर इन द कॉन्ट्रैक्ट द राइट टू द डिपेंड ऑफ द परफॉर्मेंस रिसेट विद ऑल ज्वाइंट प्रॉमिस एंड द वन प्रॉमिस कैन नॉट बी फुल, मतलब इसका भी होता है कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ज्वाइंटली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो फिर सारे लाइबल होते हैं ज्वाइंटली में, मतलब आपने हर एक ने पेमेंट करनी होती है। ये नहीं है कि एक बंदा कहता मैंने नहीं पे करना तुम कर दो, ये नहीं होता, क्योंकि जब आप कॉन्ट्रैक्ट ज्वाइंटली करो तो आपने पेमेंट भी ज्वाइंटली पे करनी है, ठीक है। आगे कहता मुर्तजा मे बी कंप्लेन एनी देयर ज्वाइंट प्रॉमिस टू द कंट्रीब्यूट एन इक्वल हाफ बेसिस, मतलब इक्वल बेसिस के ऊपर आप कर सकते हो हिमसेल्फ, मतलब आप जितना आपको लॉस हुआ है इंसोलेट जितना आपको लॉस हुआ है तो उस हिसाब से आपने इक्वली हिसाब से आपने पैसे देने हैं, ठीक है। या लोन लिया उसके पैसे पूरे करने हैं, ठीक है। कैरी आउट द प्रॉमिस अनलेस द कॉन्ट्रैक्टरी इंटेंट अपीयर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट देयर फॉर फैजान मस्ट शेयर द लॉस कॉज बाय द
लायलाज डिफॉल्ट इक्वल टू हिम एम्प्लॉयर, तो वही बात कर रहा है कि क्लियर करने चाहिए था। ठीक है, आगे देखिएगा, अब्दुल्ला द ओनर ऑफ द रफीक फर्म्स द सेंट ऑफ द ऑफ हिज एम्प्लॉई फैजान इन द सर्च ऑफ द पेट हॉर्स व्हिच हैड बीन द मिसिंग फॉर द 5 डेज, गुम हो गया था 5 दिन से, मिस था। अब्दुल्ला एडवर्टाइज में रिवार्ड 20,000, वो 20,000 पैसे देगा, न्यूज़पेपर पे दे देता है। ओके, वो अगर वो मिसिंग हॉर्स को कोई ढूंढ के लेके आएगा, तो जो फैजान था वो अनअवेयर था, मतलब न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट से ट्रेस दी हॉर्स, वो हॉर्स को ढूंढ लेता है, मतलब न्यूज़पेपर नहीं देखा तो हॉर्स को देखा। सब्सिक्वेंटली नोन दी वार्ड ऑफ दी फैजान, उसको बाद में पता चला इसके ऊपर वो भी था, इनाम था, वो क्लेम कर देता अब्दुल्ला के ऊपर कि मुझे दो। अंडर दी प्रीमियर ऑफ दी कॉन्ट्रैक्ट अंडर 1872 आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ दी ऑफर विच अब्दुल्ला वी आल्सो स्टेट दी फैजान वुड बी क्लेम अमाउंट ऑफ द रिवार्ड। देखे मतलब ये कहता है पहले तो टाइप बताओ, ठीक है, और फिर बताओ कि क्या फैजान क्लेम कर सकता है कि नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसमें आ जाता है दिस इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज ऑफ द, क्योंकि उसमें एडवर्टाइजमेंट दिए तो उसको बाद में पता चला तो वो क्लेम कर सकता है ना। स्कोप ऑफ दी कॉन्ट्रैक्ट अंडर दी सेक्शन 2 एंड दी प्रपोजल आर ऑफर हैज बेस ऑफ द फॉलोइंग, मतलब आपने ऑफर दी उसने उसने एक्सेप्ट कर ली। द ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेट टू ईच अदर, मतलब दोनों के दरमियान था। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 4 एक्ट कम्युनिकेशन ऑफ द प्रपोजल इज कम्प्लीट वैन इट इज कम टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू द होम इट मेड। ठीक, आइटम ऑफ द ऑफर मे बी डिफाइंड एंड क्लियरली दी ऑफर मस्ट बी मतलब ये कंडीशन बता रहा है अब, दी ऑफर मस्ट बी कैपेबल ऑफ द क्रिएटिंग लॉजिकल रिलेशन, लॉजिकल रिलेशन ही है ना। देखो आपने उसने एडवर्टाइजमेंट किया, उसने ऐसा ढूंढ के दे दिया, हालांकि वो अनअवेयर था, लेकिन बाद में पता चला कि उसने पैसे मांगे हैं। दी ऑफर मस्ट बी मेड टू दी ऑब्टेन एक्सेप्टेबल इन्विटेशन टू रिसीव एन ऑफर इज नॉट इज ऑफर इज नॉट एन ऑफर, मतलब इन्विटेशन इज ऑफर थी बकायदा। ठीक है, येस फैजान मस्ट वुड बी एबल टू दी क्लेम अमाउंट ऑफ द रिवार्ड अंडर द क्रॉसमेंट बिकॉज ही हैज एविडेंस द न्यूज पेपर फॉर्म एंड ही हैज ईजिली क्लेम अबाउट, इधर लिखना अबाउट बदन लिखना, इधर वो लिख देना जो इसका नाम है, ठीक है, पीछे जो भी है, ठीक है, टू जो पहले उसका नाम क्या था, अब्दुल्ला। ठीक है, सो दिस कॉन्ट्रैक्ट इम्पोज बाय द इनफोर्सबल लॉ। ठीक है, तो ये आपका असाइनमेंट सोल्यूशन थी, आसान थी, और जिन्होंने ग्रैंड के यूज़ कराने हो, एक्टिविटी सोल्व करानी हो, पेड बेसिस के ऊपर, मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन के ऊपर दिया हुआ है, तो वहाँ से मुझसे रब्ता कर सकते। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।